रेल्वे पदचारी पुलासाठी पुरणेकर आंदोलनाच्या पवित्र्यात। पूर्णा शहर रेल्वे पटरीमुळे दोन विभागांमध्ये विभागलं गेल्यामुळे नागरी वस्ती एका बाजूला तर प्रशासकीय कार्यालय शाळा कॉलेज एका बाजूला गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना रेल्वे पटरी क्रॉस करून जावं लागतं, त्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे। मात्र प्रशासनाला अनेक निवेदनं देऊनसुद्धा कोणीही याची दखल घेत नाही, त्यामुळे मोठ्या अपघाताची प्रशासन वाट बघत आहे की काय, असा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री असो वा जुने माजी मुख्यमंत्री, या सर्वांना निवेदन देऊन नागरिक थकले आहेत, तरी प्रशासनाला या समस्याकडे गांभीर्याने बघण्यासाठी वेळ नाही व याचीच गांभीर्याने दखल घेऊन पूर्णा बुद्ध विहार समितीचे अध्यक्ष यांनी नागरिकांना एकत्र जमवून याच्या विरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे व प्रशासनाने लवकरात लवकर सुरुवात केली नाही तर आंदोलन करू असा इशाराच प्रशासनाला दिला आहे। पूर्णा डिस्ट्रिक्ट परभणी, जो महाराष्ट्र में रेलवे का बड़ा जंक्शन कहा जाता है और कुछ पहले ज़माने में यहाँ सिंगल लाइन थी, मीटर गेज था, अभी ब्रॉड गेज हो गया है, डबल लाइन हो गई है। सिद्धार्थ नगर दो भागों में बांटा गया है, उत्तर और दक्षिण भाग में, तो आधा शहर उत्तर में है, आधा शहर दक्षिण में। इसमें सिद्धार्थ नगर, अम्बेडकर नगर, तहसील का कार्यालय, कोर्ट का है, पंचायत समिति है और रेलवे कॉलोनी है, सिद्धार्थ नगर है, नालंदा नगर है, पंचशील नगर है, ये सभी क्षेत्र रेलवे हॉस्पिटल है, ये सब दक्षिण में आते हैं। और पूरा उत्तर में स्कूल, कॉलेजेस, विहार, चर्च, मस्जिद, मार्केट, बस स्टैंड और ये सब आते हैं उत्तर में, और ये बीच में हमारी पटरी है। तो 2009 साल से तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय अशोक चौहान जी को हम लोगों ने, बौद्ध समाज ने पूर्णा में बुलाया था उद्धव विहार में कार्यक्रम के लिए। उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि ये दक्षिण और उत्तर सिद्धार्थ नगर और गांव जोड़ने का फुटओवर ब्रिज हम बना देंगे, ऐसा उन्होंने उस समय घोषणा की थी। गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड भी है। मैंने कई बार रेलवे मिनिस्टर को लिखा, जीएम को लिखा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखा, हमारे यहाँ के नगर पालिका ने कोशिश की, नगर पालिका ने भी कुछ आवेदन। पूर्णीच्या या फुटवेज ब्रिजसाठी हॅलो अनेक निवेदनं देऊन झालेली आहेत, रेल्वे मंत्री, मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, त्यानंतर नगर विकास मंत्री, केंद्रातले आणि राज्यातले या दोन्हींना निवेदनं देऊन झालेली आहेत आणि विनंती करण्यात आलेली आहे की नागरिकांसाठी आणि विशेषतः लहान शाळकरी मुलांसाठी हा फुटवेअर ब्रिज बनवावा अशा प्रकारची विनंती अनेक वेळा केलेली आहे, परंतु प्रशासनाने या बाबतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा ठोस निर्णय घेतलेला नाही आणि कुठल्याही प्रकारचं काम सुरू केलेलं नाही, त्यामुळं या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची निवेदनाची दखल घेतली गेली नाही असा त्याचा अर्थ होतो। पाणी जमता है तो मछली देखते रहते, डर लगता है ना। कितने साल से समस्या है? हमारे जो 22 साल से। क्या लगता है, क्या बनना चाहिए यहाँ? तो क्या मांग, क्या मांग क्या करेंगे सरकार से? सेवन स्टैंडर्ड में। तो सुबह कितने बजे आते हो घर से? 7 बजे आती हूँ। तो आने जाने में क्या दिक्कत होती है? यहाँ पर वो ट्रेन आते हैं तो यहाँ पर एक दादरा बनना चाहिए। आने जाने में क्या प्रॉब्लम है? आने जाने में वो गाड़ी में गाड़ी आती रहती है। कितनी देर रुकना पड़ता है हमको? मालगाड़ी आती है तो बहुत देर रुकना पड़ता है, टीचर चिल्लाती है। फिर क्या क्या बनना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए। ब्रिज बनना चाहिए नगर से लेकर बुद्ध विहार तक का जो बीच में जो पटरी है, यहाँ स्कूल के बच्चों को या बुजुर्गों को आने के लिए तकलीफ होती है, क्या बोलना चाहेंगे? ये तकलीफ बहुत होती है, कम नहीं होती। इधर कम से कम 5-25 हज़ार लोग रहते,
और इधर की आवक जावक रहती है। ऐसे कम से कम स्कूल के बच्चे मिला के 10-12 हज़ार रुपये, 10-12 हज़ार ही चौथे। तो इस तरीके से यहाँ दादरे के लिए पहले से भंती जी इसमें हिस्सा ले रहे, काम कर रहे, 12-13 साल हो गए, पर रेलवे ने अभी तक इस पर कोई निर्णय लिया नहीं। और यहाँ अपघात भी बहुत होती है, ये भी रेलवे ने निर्णय लिया वाला नहीं है। तो अभी जिम्मेदार किसको बोल रहे हैं? अभी जिम्मेदार तो अपन रेलवे कुछ पकड़ेंगे। रेलवे से क्या मांग करना चाहेंगे? रेलवे से मांग ये करना कि भाई यहाँ दादरा बनना चाहिए। कब तक बनेगा ये दादरा? तो जल्दी से जल्दी बनना, नहीं तो अभी ये अपना आप तो सिस्टम चालू है, तो अपन तो रेलवे को अंदर करने वाले बंदी जी के साथ। प्रतिनिधि लक्ष्मण गायकवाड़ पूर्णा।